और अगर मेघालय पर हम आए तो बड़ी तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं। मेघालय में कांग्रेस पार्टी नंबर वन पार्टी हो गई है 12 सीटों पर आगे, लेकिन यहाँ पर एनपीपी ने भी एक सीट पर गेन किया है, 10 की जगह अब एनपीपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर बीजेपी से यह हाथ मिला ले तो यह 15 हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है और एनपीपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, 11 जमा 5। एनपीपी प्लस बीजेपी अगर हो जाता है तो यह 15 सीटों पर आगे हो जाएंगे, जो बीजेपी के 12 सीट के लीड के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। तो मेघालय नागालैंड दोनों जगह कांटे की टक्कर, और ऐसे ही त्रिपुरा में भी लेफ्ट थोड़ा सा आगे चल रहा है। हम आपको बता दें 25 सीटों पर लेफ्ट इस वक्त आगे चल रहा है, और वहां पर जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अपने दम पर 21 सीट पर आगे, कुल मिलाकर के 25-24 का आंकड़ा हो गया। मैं ये बड़ी जानकारी दे दूं, लेफ्ट त्रिपुरा में 25 सीटों पर आगे है और बीजेपी प्लस 24 सीटों पर आगे हो गया है। सिर्फ एक सीट का फासला त्रिपुरा में दोनों धड़ों के बीच में। फिर से एक बार बदलाव हो गया है, लेफ्ट 26 सीटों पर आगे हो गया है त्रिपुरा में और बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 20, उसमें अगर आप उसकी सहयोगी की जोड़ दे तो 23 सीटों पर बीजेपी आगे और 27 पर लेफ्ट आगे। देखिए चित्रा, लगातार यह आंकड़ा बदल रहा है त्रिपुरा में, 27-23 हो गया है इस वक्त, 27 पर लेफ्ट आगे चल रहा है और 23 पर इस वक्त वाम मोर्चा, माफ कीजिएगा, बीजेपी आगे चल रही है। तो ये लगातार बड़ी तस्वीर बन रही है। अगर हम लेफ्ट की बात करें, 27 सीटों पर इस वक्त लेफ्ट आगे चल रहा है, और बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी त्रिपुरा से। चित्रा, नया कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब तक की जो तस्वीर बनी है वो लेफ्ट के लिए सारी चीजें राइट होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो अपनी बड़ी बढ़त बीजेपी के ऊपर बनाए हुए है। मेरा ये कहना ठीक है, लेफ्ट के लिए फिलहाल स्थिति अभी बेहतर है। मेरे ख्याल चीफ मिनिस्टर की पर्सनालिटी और उनका कामकाज काफी भारी है, 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी जरूर उनके साथ है, मोदी का आकर्षण है, बीजेपी का आकर्षण है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ही मेरे ख्याल से माणिक सरकार ही सबसे बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर यहां पर देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी के हीरा के आगे माणिक जो है वो मजबूती से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, बीजेपी प्लस 23 लेफ्ट 27। नहीं, ये अभी भी इसमें छवि क्लियर नहीं है, और 23 में अगर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 8 सीट अभी भी बाकी हैं, 59 सीटों में चुनाव हुआ है, तो ये 8 सीट अगर आ जाए और सेकेंड या थर्ड राउंड की जो काउंटिंग आएगी उसी में पता चलेगा कि कौन आगे जा रहा है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। यानी कि ऐसा लग रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी का सपना फिलहाल पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी, वहाँ आज उसकी सरकार बनने की संभावना दिखाई दे रही है, ये इस उपलब्धि को देखना चाहिए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। जी हाँ, भाजपा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखिए, जो कांग्रेस की एक सीट है वो भी जो है वो लेफ्ट को समर्थन देगी, क्योंकि वो भाजपा के साथ नहीं जा सकती, तो अभी की जो आंकड़ों के आधार पे वहाँ पर लेफ्ट को जो है अपर हैंड मिल रहा है। लेफ्ट को अपर हैंड मिलने के पीछे वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, त्रिपुरा छोटी स्टेट है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। नेहा के पास एक बड़ी खबर आ रही है, लौटती हूं मैं आपके पास। नेहा, मेघालय से बड़ी जानकारी आ रही है। हम आपको बता दें, मेघालय में कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे हो गई है और एनपीपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। एनपीपी 10 पर आगे, बीजेपी 4 पर आगे, लेकिन बड़ी खबर मेघालय से यह है कि कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर इस वक्त आगे है, यानी एनपीपी के मुकाबले 3 सीटें आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी पर। अगर एनपीपी बीजेपी से गठबंधन कर ले तो फिर एनपीपी और बीजेपी का गठबंधन आगे हो जाएगा। और नागालैंड की अगर हम बात करें तो 20 सीटों पर हम आपको बता दें बीजेपी प्लस आगे चल रहा है और 19 पर हम आपको बता दें एनपीएफ प्लस आगे चल रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी जो हमें नागालैंड से मिल रही है, 39 सीटें 59 में से 39 आप लगा लें और एनपीएफ 19 सीटों पर आगे, बीजेपी प्लस 20 सीट पर आगे। नागालैंड में मामला चित्रा फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एनपीएफ धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, जिनके साथ बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था। एनडीपीपी और बीजेपी मिलकर के नागालैंड में 20 सीटों पर आगे, जबकि अगर हम बात करें जो वहां की सत्ताधारी एनपीएफ पार्टी है वो 19 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। मेघालय की अगर बात करें, एक और बड़ी जानकारी, वहां पर 13-11 का स्कोर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी 13 सीट पर आगे चल रही है और एनपीपी वहां पर 11 सीटों पर आगे चल रही है। यानी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त मेघालय में हम बात करें तो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ही बनी हुई है, 13 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त। त्रिपुरा का भी एक बार हम नतीजा देख लेते हैं, त्रिपुरा में इस वक्त क्या किस तरह की स्थिति चल रही है, क्योंकि त्रिपुरा में भी उलट फेर लगातार। त्रिपुरा में बता दें 27 सीटों पर लेफ्ट अभी आगे चल रहा है और अगर बीजेपी की बात करें 28 सीटों पर आगे है और 25 सीटों पर बीजेपी आगे, 28-25 चल रहा है त्रिपुरा में स्कोर, जहां पर लेफ्ट बता दें 28 सीटों पर आगे है और 25 सीटों पर बीजेपी आगे है। चित्रा, तीन बिगाड़े काम बिगाड़े, तीन का यहाँ पर फर्क है, क्या दिख रहा है आपको त्रिपुरा में? यहाँ पर लेफ्ट पार्टी हालांकि आगे चल रही है 28 और 25 का ये आंकड़ा, लेकिन बहुमत किसको मिलेगा? जी देखिए चित्रा, जो अभी आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें तो 28 और क्योंकि सिर्फ 59 जगहों पर चुनाव हुआ है और कांग्रेस समर्थन करेगी तो उनको पर्याप्त बहुमत है। नागालैंड की जहां तक बात है, वहां देखिए सीटों से ज्यादा वो शांति का
साथ फिर से सबसे बड़े कवरेज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि बीजेपी के लिए किस तरह से जबरदस्त फायदा पूर्वोत्तर में, जबकि कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और राज्य यानी कि मेघालय निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मेघालय अगर हार जाती है कांग्रेस पार्टी तो उसके पास बचेंगे सिर्फ देश भर में चार राज्य, सिर्फ चार राज्य में कांग्रेस सिमट जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि एनपीपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है कुछ सीटें और उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किस तरह से पहली बार 51 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ी है, जबकि अपनी सहयोगी को उसने 9 सीटें दे रखी है। त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और त्रिपुरा में सरकार बनने के साथ ही देश भर में उसका विस्तार 20 राज्यों में हो जाएगा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। नागालैंड में भी बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। बीजेपी प्लस वहां पर नागालैंड में सरकार बनाने जा रही है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन, यानी कि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी बेहद खराब प्रदर्शन, अपने उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने वहां पर परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन बीजेपी ने जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ा उसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ इन तीनों ही राज्यों में दिखाई दे रहा है। दो और राज्य बीजेपी के खाते में जुड़ने का मतलब साफ हो जाएगा कि किस तरह से 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार, जबकि कांग्रेस पार्टी के हाथ से एक और राज्य खिसकने के बाद चार राज्यों में देश भर में सिमट जाएगी। फिलहाल इसके मायने क्या है, बड़ी बातें जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं नेहा पंत का। नेहा, इस वक्त की बड़ी खबर हम दे दें, 9 बज रहे हैं और बता दें पूर्वोत्तर से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, ऊपर की पट्टी में देखिए 60 में से 40 सीटें त्रिपुरा की रुझान हमारे सामने आ गए हैं। 21 पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्लस अगर आप कहेंगे तो उसको 23 मान लीजिए, क्योंकि ITBF जो कि बीजेपी की सहयोगी है वो 2 पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 2 पर आगे और लेफ्ट 17 पर आगे चल रही है। आपको बता दें 1% वोट शेयर बीजेपी का 2013 में था और अभी देखिए आप अपनी स्क्रीन पर बीजेपी त्रिपुरा में 21 सीट पर आगे चल रही है। 20 और सीटों का रुझान आना बाकी है। इसके अलावा अगर आप दाईं साइड का रुख करें और मेघालय को देखें तो मेघालय में भी बीजेपी के लिए वहां से अच्छी खबर इस तरह से आ रही है कि वहां पर एनपीपी जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन हो सकता है वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 4 पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी की वहां बुरी हालत है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ते हुए 8 सीटों पर ही आगे चल रही है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी है। बीजेपी प्लस NDPP के साथ हम आपको बता दें कि 13 सीटों पर नागालैंड में बीजेपी प्लस आगे चल रहा है। नागालैंड से अच्छी खबर आ रही है और मेघालय में NPP NDA में तो वो साथ ही है। मेघालय में हुआ करता था, रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन NPP सबसे बड़ी पार्टी मेघालय में बन रही है। अगर उससे बीजेपी ने हाथ मिला लिया तो कांग्रेस वहां से सत्ता से बेदखल होगी। बड़ी बात यह होगी कि कांग्रेस को बेदखल करके बीजेपी सहयोगी के तौर पर मेघालय में सत्ता में आएगी। सुबह के 9 बज रहे हैं और नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पूर्वोत्तर के 3 राज्य हवा बीजेपी के पक्ष में बहती हुई इन रुझानों में दिखाई दे रही है। 2019 पर क्या असर पड़ेगा आगे विश्लेषण करेंगे। चलते हैं इस वक्त चित्रा के पास। बिल्कुल, 2019 पर क्या असर पड़ेगा इसका विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन इसी साल 4 राज्यों में और होने हैं विधानसभा के चुनाव। कर्नाटक में बस कुछ ही महीनों के बाद और इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो बड़े राज्य हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी पूरा दमखम लगाएंगी जीतने के लिए। लेकिन पूरब से कहा जाता है पूरब की हवा सबसे अच्छी होती है, शुद्ध होती है। पूरब से ये जो हवा बह रही है वो कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसका असर देश भर की राजनीति पर कैसा पड़ेगा, तस्वीर क्या बदलेगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले बड़ी बातें जान लीजिए। बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है, यह स्पष्ट हो चुका है पूरी तरह से। विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय जी, 9:02 हो चुके हैं, त्रिपुरा के जो आंकड़े हैं अब तक के सामने, कुछ तस्वीर बदली है क्या वहां पर? विजय, त्रिपुरा की जहां तक त्रिपुरा के आंकड़ों की बात है तो अभी कोई तस्वीर नहीं बदली है। जो बीजेपी 21 और उनकी IPFT जो उनकी सहयोगी दल है वो 2 यानी 23 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस के 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो जरूरत पड़ने पे ये मदद कर सकते हैं। सीपीएम का जो गुट है वो 14 सीटों पर आगे है। सीपीएम का गुट 14 सीटों पर, लेकिन बीजेपी जिस तरह से त्रिपुरा में आगे है इसके मायने क्या है? देखिए, त्रिपुरा छोटी बीजेपी अब 22 पर आगे हो गई है और IPFT उनकी सहयोगी पार्टी 2 पार्टी मायने बीजेपी के लिए ये एक मेजर विक्ट्री, सरकार बने या ना बने मेजर ऑपोजिशन हो जाएगा बीजेपी अगर ये हम सोच। लेकिन वो तो त्रिपुरा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, सरकार बना सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुधीर मजूमदार कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे ना, उस समय नृपेन बाबू के साथ दशरथ देव एक ट्राइबल लीडर थे, आदिवासी नेता। आज के दिन में मानिक सरकार बंगाली लीडर, कोई ट्राइबल लीडरशिप जैसे होता है ना, वो कॉम्बिनेशन है और उसमें RSS। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है त्रिपुरा से, नेहा के पास चलते हैं। नेहा जी, त्रिपुरा से इस वक्त बड़ा आंकड़ा आ रहा है, हम आपको बता दें 18 सीटों पर लेफ्ट आगे हो गई है। 18 सीटों पर हम आपको ये बता दें, CPM CPIM 18 पर आगे और CPI 1 पर आगे, और अभी आंकड़ा 19 हो गया है।
सीपीआईएम 19 सीट पर आगे है, बीजेपी की अगर बात करें तो वो 20 पर आगे है, अपनी सहयोगी की दो सीटें अगर आप मिला दो तो उसको 22 कर दे, बीजेपी 24, लेफ्ट 18 पर आगे है। हालांकि जो अपडेटेड आंकड़ा है उसमें मैं आपको बता दूं 19 पर, 20 पर लेफ्ट आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 22 पर आगे चल रही है, यानी त्रिपुरा में फिर से कांटे की टक्कर हो रही है, लेफ्ट ने कैचअप किया है और 22 और 20 का आंकड़ा हो गया है, 22 पर बीजेपी आगे चल रही है और 20 पर आगे चल रही है इस वक्त लेफ्ट, त्रिपुरा में लेफ्ट 20 पर आगे, बीजेपी 22 पर आगे, लेफ्ट ने कैचअप किया एक तरह से, स्थिति जो है वो कांटे की बनाते हुए, कांटे की टक्कर जहां पर पिछड़ते हुए फिर से एक बार बढ़त हासिल की है लेफ्ट ने, 20 पर चित्रा लेफ्ट आगे, 22 पर बीजेपी आगे, 43 सीटों का रुझान आ गया है त्रिपुरा में। अब ये सवाल है कि राइट लेफ्ट करते करते त्रिपुरा में बाजी कौन मारेगा? रशीद जी देखिए अभी ट्रेंड दिखा रहे हैं कि भाजपा आगे है और जो आगे रहता है वही उमूमन सरकार बनाता है। सीपीएम 21 पर आगे उनकी सहयोगी पार्टी एक पर यानी 22 पर वो आगे, अब बीजेपी से वो आगे हो गए हैं, बीजेपी 18 पर सिमट गई है, नीचे आई है, आंकड़े बदल गए हैं 18 पर बीजेपी, 18+2 यानी कि 20 पर बीजेपी और लेफ्ट है 22 और 23 पर। चलिए नेहा के पास चलते, नेहा बड़ी खबर। जी मैं आपको बता दूं इस वक्त सीपीआईएम जो है वो 21 पर आगे चल रही है और बीजेपी जो है वो 19 पर आगे चल रही है। सीपीआईएम हम आपको बता दें अगर सीपीआईएम के साथ आप सीपीआई का भी जोड़े तो 22 पर लेफ्ट 22 पर आगे चल रहा है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी प्लस जो है वो 21 पर आगे चल रहा है, यानी लेफ्ट जो है वो अब आगे हो गया है, एक सीट आगे हो गया है त्रिपुरा में, बीजेपी से आगे हो गया है एक सीट से लेफ्ट। चित्रा बिल्कुल लेफ्ट यहां पर आगे, मतलब ये राइट लेफ्ट कब तक होता रहेगा, तस्वीर कब तक साफ होगी? चित्रा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं ना बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी हम लोग एक एक छोटे छोटे रुझान पर जिस तरह कह रहे हैं कि अब बीजेपी बस सरकार बना ली, लेफ्ट खत्म हो गया, माहौल तो ऐसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिहार का चुनाव याद है, बिहार के चुनाव में शुरुआती रुझान जो थे उस पर लोग नतीजे निकाल लिए कि मतलब आप बीजेपी को डरा रहे हैं भी। सरकार बन गई बिहार में तो इसमें मेरा एक समस्या यह है कि त्रिपुरा, मैं बंगाली हूँ ना, भाजपा का इतना सीट त्रिपुरा में, ये हिंदी हार्टलैंड नहीं है, ये बिहार नहीं है, तो त्रिपुरा में भाजपा ये जो हो रहा है ना, ये आप आश्चर्य नहीं हो रहे हैं? आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए आश्चर्य नहीं, अब देख एक सेकंड, त्रिपुरा में इसके बाद बंगाल में त्रिपुरा मेन अपोजिशन बनने जा रहा है 2021 में, वहां भी चुनाव, चिंतित नहीं होंगे क्योंकि सरकार तो नहीं है। मैं इसलिए नहीं अचरज में हूँ आपकी तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि त्रिपुरा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो बीच में आई थी वो खत्म हो गई है, ये राइट विंग पोलराइजेशन है जो बीजेपी को ताकत दे रहा है और बीजेपी ने मनी पावर का इस्तेमाल किया है जबरदस्त ढंग से, ट्राइबल और बंगाली, मतलब आपको लग रहा है कि मनी पावर का इस्तेमाल करके बीजेपी जीत रही है त्रिपुरा में? बीजेपी आ रहा है, बीजेपी के जो मैजिक है उस वजह से नहीं, वहाँ पे 25 साल 20 साल के एंटी इनकमेंट एक है, वो फैक्टर जो कांग्रेस के साथ था वो अभी कोई अपोजिशन नहीं, जो कांग्रेस का साथ था वो अभी बीजेपी में आ गया जितने नेता, तो स्वाभाविक है ये कि उसके बीजेपी को थोड़ा एज मिल रहा है अपोजिशन के हिसाब से। ठीक है, राइट लेफ्ट यहाँ पर आ गया और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लेफ्ट के सामने इतनी मजबूती से राइट वहाँ पर खड़ा है। बात जो कर रहे थे दादा अभी, तो हम ये मानते हैं कि पूरा देश अगर लेफ्ट हो जाएगा तभी बंगाल राइट होगा, पूरा देश लेफ्ट हो जाएगा तभी बंगाल राइट होगा। फिलहाल बड़ी जानकारी इस वक्त यही है बीजेपी के लिए, काफी अच्छी खबर, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है त्रिपुरा से। नेहा जी, त्रिपुरा में हम आपको बता दें 23 सीटों पर लेफ्ट आगे हो गई है, त्रिपुरा में हम आपको बता दें लेफ्ट 23 पर आगे है और बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी अपनी सहयोगी के साथ 21 पर आगे है, बीजेपी से आगे हो गई है लेफ्ट, ये साफ तौर पर दिख रहा है। 23 पर आगे चल रही है सीपीआईएम, 22 पर आगे और सीपीआई 1 पर आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 23 पर लेफ्ट आगे चल रही है और बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी अपने दम पर 19 सीट पर आगे, आईबीएफटी जो उसकी सहयोगी है 2 सीट पर आगे अगर, और अभी 18 पर बीजेपी आगे है, एक सीट कम हो गई है बीजेपी की लीड के मामले में, 19 से घटकर 18 पर आ गई है बीजेपी, 18 और उसमें 2 सीटें अगर आप जोड़ दें तो 20 सीटों पर इस वक्त बीजेपी प्लस आगे चल रहा है त्रिपुरा में। और हम आपको बता दें सीपीआईएम जो है सीपीआईएम 24 सीटों पर आगे हो गया है, सीपीआई की भी एक सीट जोड़ दीजिए उसमें, 25 सीटों पर ये बड़ा उलटफेर लेफ्ट के पक्ष में, 25 सीटों पर लेफ्ट आगे चल रहा है और इस वक्त अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 20 सीटों पर, बीजेपी प्लस 20 सीटों पर आगे और लेफ्ट की अगर बात की जाए 25 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी लेफ्ट फिलहाल राइट से आगे हो गया है त्रिपुरा में। चित्रा
त्रिपुरा में तो लेफ्ट राइट लगातार जारी है, लेकिन यहाँ से बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। मेघालय से ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी का जो राज है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि एनपीपी यहाँ पर और फिलहाल अभी बराबरी पर कांग्रेस पार्टी एनपीपी बराबरी पर 11-11 सीटों के साथ आ गई है, लेकिन बीजेपी 4 पर और बीजेपी वहां पर हालांकि चुनाव नहीं लड़ी है एनपीपी के साथ मिलकर, लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लिए ऐसा माना जा रहा है। एक्सपर्ट भी हमारे मान रहे हैं कि बीजेपी वहां पर एनपीपी का साथ एक बार फिर से दे सकती है। बड़ी जानकारी मेघालय से सामने आ रही है, कांग्रेस एनपीपी बराबर 11-11 पर, जबकि त्रिपुरा से लेफ्ट पार्टी फिलहाल 25 पर अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 20 पर। इसके मायने क्या है, यहाँ पर बीजेपी पीछे चली गई अब लेफ्ट से? मुझे लगता है कि जैसा अभी बार बार कहा जा रहा है कि अभी ये ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। लेफ्ट में त्रिपुरा में लेफ्ट जो पार्टी है वो सिर्फ 6 सीटें इस वक्त रुझानों में बहुमत से दूर दिखाई दे, लेकिन ये बिल्कुल पलट भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी पलटेगा, लेकिन पलट भी सकता है, क्योंकि अभी इससे पहले बिल्कुल उल्टी स्थिति थी जब आप कह रही थी कि 8 सीट दूर रहेगी बहुमत से। तो अभी कुछ भी कहना कि कौन सरकार बनाएगा, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। 9:30-10 के आसपास एक साफ स्थिति आ जाएगी सामने, चले इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए नागालैंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। नहीं, बाकी दोनों राज्य बीजेपी के लिए जाएंगे, त्रिपुरा की ही लड़ाई है और वही देखने में जिस तरह की लड़ाई चल रही है वो पर्याप्त दिलचस्प है और हम सब लोगों के लिए हार्ट बीट ऊपर नीचे करने वाले। अरविंद जी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, कांटे की टक्कर हो रही है नेहा, और इसी वजह से माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो तो मुकाबला देखने में भी मजा आता है। नेहा, बड़ी जानकारी है आपके पास कोई? त्रिपुरा में कांटे की टक्कर हो गई है चित्रा, 25 सीटों पर इस वक्त लेफ्ट आगे चल रहा है, तो 23 सीटों पर बीजेपी प्लस भी आगे चल रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने उछाल मारते हुए गैप को कम करने की कोशिश की है। त्रिपुरा में बीजेपी और लेफ्ट के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, 20 से अब बढ़कर बीजेपी प्लस 23 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि लेफ्ट पार्टी 25 सीटों पर आगे हो गई है। बीजेपी अपने दम पर 20 सीटों पर आगे चल रही है, उसकी सहयोगी 3 सीटों पर आईबीएफटी आगे चल रही है, यानी 23 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त आगे चल रहा है त्रिपुरा में। जबकि अगर लेफ्ट की बात करें तो 25 सीटों पर लेफ्ट ने अपनी बढ़त बना रखी है, लेकिन 25 और 23 का आंकड़ा यानी लेफ्ट और राइट के बीच में गैप बढ़ कम होता हुआ और बीजेपी अपनी लीड जो है उसको बढ़ा रही है। 23 सीटों पर चित्रा बीजेपी आगे और लेफ्ट 25 सीटों पर इस वक्त त्रिपुरा में आगे चल रही है। कांटे की टक्कर सिर्फ दोनों पार्टियों के बीच में, 2 सीट का फासला चित्रा। बिल्कुल 2 सीटों का फासला, दिबांग दिल की धड़कनें किसकी बढ़ी होंगी? जी बिल्कुल, यहाँ धड़कन पर ये जो बोल रहे थे जयंत, जो बोल रहे थे, मेरे ख्याल से जयंत एक बड़ी बात बोल रहे थे। त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी, चूंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, बीजेपी के वहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी को वहाँ से सिर्फ उत्तर की पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बीजेपी वहाँ आ रही है तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है, इस पर नजर रखनी होगी। मैं आती हूँ आपके पास नागालैंड से, बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। नरेंद्र देव जी नागालैंड के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम आंकड़े देखें नागालैंड में बीजेपी प्लस 13 सीटों पर आगे चल रही है और कोई भी दूसरी पार्टी उनके आसपास बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र जी, नागालैंड से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री केएल चिशी अतोइजो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे चल रहे हैं। नागालैंड के चुनाव की एक और बात इस बार जो खास रही है, कांग्रेस को इस बार वहाँ 60 कैंडिडेट्स नहीं मिला, तो उन्होंने सिर्फ 19 सीटों पर लड़ पाए। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से हम वामपंथियों के लिए बोलते हैं त्रिपुरा उनके गढ़ है, एक समय था जब कांग्रेसियों के लिए नागालैंड गढ़ था, लेकिन इस बार उसको उम्मीदवार भी नहीं मिल पाए हैं। और जैसा कि नरेंद्र देव बता रहे हैं कि सिर्फ 19 सीटों पर नागालैंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है। नागालैंड में राहुल गांधी गए ही नहीं रैली करने के लिए, बीजेपी वहां पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि उसकी सहयोगी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी है। और इस लिहाज से देखा जाए बीजेपी बड़ी बढ़त बनाते हुए नागालैंड में आ गई, और ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में वो वहां पर सरकार बनाती हुई भी नजर आएगी नागालैंड बीजेपी के साथ। देखिए, नागालैंड में बीजेपी ने जेरूसलम का एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो वहाँ के तकरीबन 90% है, उनको उनका जो हज है वो कराने की बात की थी। तो मुझे अगर वहाँ जीतती है तो मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं काम कर गया है। हालांकि उस वक्त वहाँ के लोकल क्रिश्चियन जो चर्च है उन्होंने इसका अपोज किया था, लेकिन अब यह है कि जिस तरह से अभी जो शुरुआती जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि वो फायदा कर रहा है वहाँ। सर, मेघालय में इसका फायदा उस तरह से क्यों नहीं मिल रहा है बीजेपी? देखिए, तीनों राज्यों में बीजेपी को फायदा मिल रहा है, लेकिन मेघालय में भी अभी जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर नेहा जी। मेघालय में हम आपको बता दें कांग्रेस पार्टी वापस टक्कर में आ गई है। मेघालय में इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे हो गई है, सबसे आगे हो गई है। और अभी तक एनपीपी जो आगे चल रही थी वो 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी मेघालय में 12 सीटों पर आगे चल रही है। 10 साल से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में है, किला बचाने का उस पर यहां पर जिम्मा है। मेघालय में एनपीपी से अब आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी, अभी तक एनपीपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर के लीड कर रही थी, लेकिन अब एनपीपी 10 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी इस वक्त की सबसे
बड़ी खबर, मेघालय में 12 सीटों पर आगे हो गई है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नंबर वन पार्टी बन गई है। रुझानों के लिहाज से 12 सीटों पर एनपीपी से आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी, एनपीपी जो कि 10 सीटों पर आगे चल रही है। और हम आपको बता दें कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है और कुल मिलाकर के अभी तक 33 सीटों का रुझान आ गया है। चित्रा देखिए, ये एनपीपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 सीटें 2013 में एनपीपी ने जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 29 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार एनपीपी कड़ी टक्कर देती हुई लेकिन एक बार फिर से मेघालय में यहां पर कांग्रेस पार्टी। ये बताइए सरकार कैसे बनेगी अगर तस्वीर मेघालय की इसी तरह की रही? देखिए मुझे तो लगता है कि एनपीपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना लेंगी, बशर्ते कांग्रेस बहुत असाधारण प्रदर्शन ना करे, क्योंकि वैसे भी एनडीए के हिस्से हैं और पहले भी यहां पर मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार जरूर अलग अलग चुनाव लड़ा है, लेकिन ये चुनाव के बाद का जो गठजोड़ होता है उसमें ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। चुनाव के बाद के गठजोड़ के लिए लड्डू देने की कोशिश बीजेपी फिर से करेगी एनपीपी? मणिपुर में भी यही हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि जो छोटे राज्य है जहां 50-60 का हाउस है वहां पे आप आखिरी टाइम तक तय नहीं होता कौन सा है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने गोवा में देखा जहाँ बीजेपी जीतती जीतते कम हो गई, कांग्रेस जीतते जीतते छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई। तो हमें अभी इंतजार करना होगा। सीके नायक साहब, मेघालय एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है तस्वीर, कौन आगे कौन पीछे, मतलब सरकार कौन बनाया गया? आप जो देख रहे हैं मेघालय में यूडीपी और जो एनडीए नेडा का पार्ट है वो 7 सीट है, तो अगर आप मिलाएंगे यूडीपी और एनपीपी और अपोजिशन, ये टोटल आपका 20 सीट हो रहा है, कांग्रेस का 11 सीट है, तो मिला के वो लोग बहुत आगे चल रहे हैं। अगर आप एंटी कांग्रेस का जो गठबंधन है वहाँ पे प्री प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बीजेपी के पक्ष में माहौल है, आप ये मतलब एनपीपी के पक्ष में? एनपीपी बीजेपी पक्ष में है, एनपीपी बीजेपी। देखिए एनपीपी अभी बीजेपी के साथ नहीं है लेकिन माना जा रहा है एनपीपी बीजेपी के पक्ष में इस वक्त का माहौल है। विजय और क्या बड़ी खबर जानकारी मिल रही है? देखिए जहां तक त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में अभी तो वाम मोर्चे ने थोड़ी बढ़त बना रखी, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा में अच्छा किया है। पश्चिमी त्रिपुरा में वो 13 सीटों पर आगे है और ईस्ट के अंदर वो 9 सीटों पर आगे। तो कहा जा रहा था कि सिर्फ आदिवासी बेल्ट में अच्छा करेगी या मैदानी इलाकों में नहीं करेगी, ऐसा चल, लेकिन बढ़त के हिसाब से उसने दोनों जगह बढ़त बना रखी, दोनों ही जगह बढ़त। वैसे भी बीजेपी के लिए वहां पर सिर्फ पानी ही पानी की स्थिति थी और उसी स्थिति में इस वक्त दिखाई दी। हाँ पानी की स्थिति थी लेकिन उम्मीदें बहुत थी, चीजें काम बहुत उस तरीके से किया था कि ज्यादा मिलेगा। अब 23-25 में अब सही में रुझान अब सामने आ रहा है और अगर ये आता है तो तय बात है कि अभी फिलहाल आगे, लेकिन अभी मुझे लगता है 15-20 मिनट के बाद चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, 15 मिनट के बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें जो अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, लेफ्ट पार्टी यहाँ पर बीजेपी पर 2 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई त्रिपुरा में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी उसका पीछा करती हुई लगातार त्रिपुरा में और कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है। नागालैंड को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नेहा क्या जानकारी मिल रही है नागालैंड से? बड़ी खबर आ रही है चित्रा इस वक्त, वो ये आ रही है कि एनपीएफ जो कि सत्ताधारी पार्टी है 8 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 11 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है, यानी एनपीएफ अब धीरे धीरे रेस में आती हुई सत्ताधारी पार्टी और एनडीपीपी जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया वो मोर्चा 11 सीटों पर आगे चल रहा है। लेकिन जहां तक एनपीएफ की बात है जो कि सत्ता में वहां पर थी वो बता दे 8 सीट पर आगे चल रही है, यानी एनपीएफ धीरे धीरे टक्कर देने की कोशिश में हो रही है नागालैंड में, उतना साफ बीजेपी प्लस के पक्ष में जाता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि एनपीएफ भी पीछे से 8 सीटों पर आगे आकर के टक्कर दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से मेघालय की, और अगर मेघालय पर हम आए तो बड़ी तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, मेघालय में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी